हेलो प्यारे बच्चों, मैं जसमेर कुमार आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि कोरोना काल के इस दौर में पिछले वर्ष की तरह अब की बार भी आपके स्कूल बंद हैं और आप स्कूल आने के लिए तरस गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको घर बैठे अच्छी तरह से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप घर बैठे बैठे ही आपको एक पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण मिल सके और आप घर बैठे बैठे ही अपनी पढ़ाई जारी रख सके। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम करने जा रहे हैं पत्र। क्या करने जा रहे हैं? पत्र। ठीक है, आपने बहुत सारे पत्र पढ़े होंगे, जैसे बीमार होने पर या फिर क्या घर पे ज़रूरी कार्य होने पर या बड़ी बहन या बड़े भाई के विवाह में छुट्टी लेने के लिए आपने बहुत सारे पहले भी प्रार्थना पत्र लिखे होंगे। तो आज मैं आपको अच्छी तरह से पत्र लिखना सिखाऊंगा और उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं आपके बीमारी के प्रार्थना पत्र से। ठीक है, जब आप बीमार हो जाते हो तो आप अपने स्कूल के मुख्याध्यापक या फिर प्रधानाचार्य के जो प्रार्थना पत्र लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? चलिए बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मन लगा कर वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में। उसके बाद क्या आएगा? कोमा। क्या आएगा? कोमा। ठीक है, उसके बाद मुख्याध्यापक जी। क्या आएगा? देखो, आप जब कक्षा 1 से 5 तक पढ़ते हो या फिर जो आपका प्राइमरी स्कूल होता है उसका क्या होता है? हेडमास्टर होता है। ठीक है, मुख्याध्यापक होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? मुख्याध्यापक जी, आर्य मॉडल प्राथमिक स्कूल। देखो, आपके स्कूल का जो भी नाम है आप यहाँ पर वही लिखोगे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आर्य मॉडल प्राथमिक स्कूल। उसके बाद देखो मुहाना, जैसे ये स्कूल कहाँ पर है? मुहाना में है। और कौन से ब्लॉक में आता है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? कौन से ज़िले में आता है? सोनीपत में। और आपका स्कूल जिस भी ब्लॉक में है, जहाँ भी है, जो भी आपके स्कूल की लोकेशन है, वही आप यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे? उसके बाद लिखोगे आप विषय। क्या लिखोगे? विषय। ठीक है, विषय क्या है? आज का जो हम पत्र लिख रहे हैं उसका विषय क्या है? उसका विषय है बीमार होने पर अवकाश लेने हेतु। ठीक है, यानी हमें क्या करना है? अवकाश लेना है, छुट्टी लेनी है। क्यों? क्योंकि हम बीमार हैं। उसके बाद देखिए आप क्या लिखोगे? उसके बाद लिखोगे आप श्रीमान जी। ठीक है, आप सोच रहे होगे यहाँ पर श्रीमान जी, यहाँ श्रीमती जी भी आ सकता है। कब आएगा? क्योंकि जब आपके स्कूल में अगर कोई क्या है, कोई जेंट्स यानी कोई पुरुष है, वो क्या है? मुख्याध्यापक होता है। ठीक है, अगर कोई मैडम है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? मुख्य अध्यापिका। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? श्रीमती जी। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा था? मुख्याध्यापक जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? श्रीमान जी। उसके बाद क्या करते हैं? हम अपना पत्र लिखना शुरू करते हैं। सभी ने निवेदन है कि आपके स्कूल की 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। सभी ने निवेदन है कि क्या आएगा ये? सभी ने निवेदन है कि मैं आपके स्कूल की 5वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। अगर आप लड़के हो तो छात्र लिखोगे और लड़की है तो छात्रा लिखोगे। ठीक है, अब जिस भी आप क्लास में हो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 5वीं कक्षा में हूँ, अगर आप 5वीं हो तो 5वीं लिख दो, तीसरी में हो तीसरी लिख दो, दूसरी में है दूसरी लिख दो और पहली में है पहली लिख दो। ये पत्र बेटा सभी के लिए है, ये मत समझना कि ये 5वीं कक्षा के लिए ही है। नहीं, आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हो आप बिल्कुल उसी कक्षा का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे आगे देखिए, मुझे कल स्कूल से घर आते ही
तेज बुखार हो गया। मुझे कल स्कूल से घर आते ही तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। जैसे ही आप कल स्कूल से घर आए तो आते ही आपको क्या हो गया, बुखार हो गया। और फिर आप किसके पास गए, डॉक्टर के पास गए। आपने झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। जैसे जैसे आप डॉक्टर के पास ही जाते हो ना बीमार होने के बाद, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि बेटा आपको रेस्ट करना है, तो डॉक्टर ने आपको आराम करने की सलाह दी। उसके बाद देखो क्या है, इसलिए मैं आज स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता या सकती हूँ। इसलिए मैं आज स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता या सकती हूँ। अगर लड़का है तो सकता, और लड़की है तो सकती हूँ। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, कृपा, क्या है यहाँ पर कृपा। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं कृपा, ये गलत होता है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना है आपने, ऐसे लिखना है कृपा आप मुझे। आप कौन है यहाँ पर, आप अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक को बोल रहे हो कि आप मुझे एक दिन का अवकाश देने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी, ठीक है। आप किससे प्रार्थना कर रहे हो, अपने जो आपके स्कूल का, आपके स्कूल का जो मुख्य अध्यापक है उससे कह रहे हो कि आप मुझे एक दिन का अवकाश देने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। उसके बाद देखना क्या है, उसके बाद है आपकी अति कृपा होगी। उसके बाद क्या है, धन्यवाद, क्या लिखोगे आप पे, धन्यवाद। और उसके बाद आपका आज्ञा, आपका या आपकी, ठीक है, लड़का है तो आपका और लड़की है तो आपकी, आज्ञाकारी कौन लिखेगा, आपका, ठीक है। और आज्ञाकारिणी कौन लिखेगी, कौन लिखेगी, आपकी, ठीक है। लड़का क्या लिखेगा, आपका, और लड़की आपकी, आज्ञाकारिणी, ठीक है, आपकी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। ये लड़के के लिए हो गया, किसके लिए, लड़के के लिए हो गया। और आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, ये किसके लिए हो गया, लड़की के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, लड़की के लिए हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर नाम लिख दोगे, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा रोहन, क्या नाम लिखा, रोहन, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है नाम लिखने के बाद कक्षा, ठीक है। आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हो यहाँ पर लिख दोगे, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कक्षा पाँचवीं, कक्षा पाँचवीं, ठीक है। उसके बाद अनुक्रमांक, अनुक्रमांक आपने शायद सुना नहीं होगा पहले, आज सुन लेना बेटा, अनुक्रमांक बोलते हैं रोल नंबर को, ठीक है। आपका जो भी रोल नंबर है, जैसे 3 है 3 लिख देना यहाँ पर, दिनांक की, जिस भी दिनांक को आप लिखते हो उसी की दिनांक यहाँ पर लिखते हैं। जैसे आज दिनांक कितनी है, जैसे मैंने लिखा आज दिनांक कितनी है, 16, ठीक है, 16 जून 2021। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आगे हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, अच्छी तरह पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।